अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर यूक्रेन के हालातों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बातचीत से ही शांति का निकलेगा रास्ता, भारत करेगा पूरा सहयोग। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालात पर भी जताई है चिंता। बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों नेताओं ने दिया जोर। कोलकाता में लेडी डॉक्टर को इंसाफ के लिए छात्र संगठनों ने किया मार्च की तैयारी की है, अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। छात्र संगठनों के मार्च पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की नहीं मांगी है इजाजत। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का क्या मतलब, छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का है पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा, टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार सीबीआई कर रही है। आरजीकर कॉलेज के वायरल वीडियो पर कोलकाता पुलिस की सफाई, कहा सेमिनार हॉल से संबंधित हिस्से को रखा गया था सुरक्षित, वीडियो सुरक्षित जगह के बाहर का होने का दावा। टीएमसी के नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सब हैं एक, पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए तीनों दल आए हैं साथ, रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को देना है जवाब। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 19 साल की लड़की के साथ रेप का मामला आया है सामने, जांच में जुटी पुलिस, नर्सिंग कोर्स कर रही पीड़िता, इंसाफ के लिए बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी नर्स। बीजेपी सांसद कन्ना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी, राहुल ने कहा सांसद का बयान बीजेपी की किसान विरोधी नीति का एक और सबूत। कंगना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा, किसानों के विरोध में दिए कंगना के बयान के खिलाफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी करेगी प्रोटेस्ट। कंगना के बयान के बहाने कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछे सवाल, कहा कंगना कान पकड़कर मांगे माफी। किसानों पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं, कंगना के बयान से बीजेपी असहमत। बीजेपी ने कंगना रनौत को फटकार भी लगाई, कहा कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। हरियाणा के जींद में किसान संगठनों और खा पंचायतों ने फूंका कंगना का पुतला, चुनाव प्रचार में हरियाणा में न घुसने की चेतावनी दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कंगना के किसानों पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है, बोले ये बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 सीटों को लेकर हुआ समझौता, 50 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस, 6 सीट पर होगी फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस को एनसी के घोषणा पत्र पर नहीं है कोई आपत्ति, सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी पहली लिस्ट जारी की है, 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नामांकन, कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार MY तारीगामी भरेंगे पर्चा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लगाया आरोप, कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्ला के साथ कर सकती है गठबंधन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कल कई सीटों पर नहीं आम राय बन पाई थी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को बदलने पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला, बीजेपी और JJP ने की है तारीख बदलने की अपील। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है, चुनाव आयोग ने सोच समझकर किया है तारीखों का ऐलान। INLD अध्यक्ष अभय चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस पर वार, दोनों को इस बार हरियाणा की जनता देगी जवाब, कहा INLD की सरकार पर लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव के रामकृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का नाम अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करे बीजेपी।
25 अगस्त को झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद दी जानकारी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची मूर्ति का किया था अनावरण। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। जयदीप आप्टे और चेतन पाटिल को बनाया गया आरोपी। आरोपियों की कंपनी ने ही लगाई थी मूर्ति। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप। इंडियन नेवी का भी आया बयान। जांच के लिए बनाई गई टीम मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर जताई चिंता। कहा, नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से गिरी प्रतिमा, फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे का की मांग। सिंधुदुर्ग हादसे पर ओवैसी ने भी एंट्री। कहा, शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की हुई बैठक। बड़े भाई की भूमिका में रहेगा उद्धव गुट। ठाणे और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चर्चा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी, कंगना को गंभीरता से नहीं लेता, उनकी उम्र से ज्यादा वक्त से वो जुड़े हैं राजनीति से। मथुरा से द्वारिका तक जन्माष्टमी का जश्न। द्वारिकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ मंदिर। कान्हा की नगरी मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम। रात के 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज उठी जन्मभूमि। कृष्ण भक्ति में डूबे दिखाई दिए लोग। देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात में रेल सेवा पर पड़ा बारिश का असर। गुजरात के अलग अलग शहरों से मुंबई जाने वाले दर्जन भर ट्रेनें की गई रद्द। गुजरात के सरसपुर में भारी बरसात के चलते सड़कें हुई जलमग्न। लोगों को आवाजाही में असुविधा। गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, दाहोद, वलसाड और नवसारी समेत 13 जिलों में आज भी रेड अलर्ट। सभी प्राइमरी स्कूल आज के लिए बंद। राजकोट में 2 घंटे में हुई 4 इंच से ज्यादा बारिश। जलमग्न होने के बाद स्कूल में छुट्टियां घोषित। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार सरोवर बांध हुआ फुल। हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश का सतर्क जारी है। सड़कों पर भरा कई फीट पानी। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश से अहमदाबाद के कई इलाके हुए जलमग्न। सड़कों पर नावें चलती नजर आई। पानी में फंसे इलाके के लोगों ने चलाई नाव। हेलमेट सर्कल में दिखा तालाब जैसा मंजर। पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड को किया गया सतर्क। निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सूरत में तापी नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर है। नदी के पास के इलाके पानी में डूबे। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। वलसाड में पानी के बीच फंसी गर्भवती महिला का एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनका रेस्क्यू किया गया, फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से रास्ते हो गए हैं बंद। भारी बारिश के चलते गंगापुर बांध का जलस्तर बढ़ा। अलर्ट पर प्रशासन। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश के चलते सुरवानिया डैम का बढ़ा जलस्तर। कागदी डैम के खोले गए 4 गेट। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू। महाराष्ट्र के नासिक में भी तेज बरसात का असर। 2 दिनों से हो रही बारिश से गोदावरी नदी ओवरफ्लो। गोदावरी नदी के पास बने मंदिर पूरी तरीके से पानी में डूबे। यूपी के सोनभद्र में भी बारिश से हाहाकार। पुल के ऊपर बहती नजर आई जरहा अजीर नदी। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसी। यूपी सीतापुर में शारदा नहर कटने से कोहराम। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए प्रशासन की टीम मौजूद। सीतापुर में आई अचानक बाढ़ के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गांव में रस्सियों की मदद से पानी से बाहर निकाले गए सैकड़ों लोग। मुंबई के कालबादेवी इलाके में हादसा। दीवार ढह जाने से 2 लोगों की मौत। हादसे में 1 शख्स गंभीर तौर पर घायल। सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। 6 महीने के बाद 6 बच्चियों की ली जान। 20 घायल। वन विभाग ने 6 भेड़िए ट्रेस किए, जिनमें से 3 को लखनऊ जू में भेजा गया। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी।
दिल्ली में जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की बिगड़ी तबियत, छात्रवृत्ति बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल। यूपी के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार, एक ही परिवार के 8 लोगों की बिगड़ी तबियत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से हुए बीमार।